हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस 2019 के लिए शहरीकरण जो कि अर्बनाइजेशन है, इसका पार्ट फोर हम लेकर आए हैं आज। तीन पार्ट पहले हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जनरल स्टडी पेपर वन का ये पॉइंट नंबर 7 है और आज इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे। और इसका लास्ट पार्ट होने के बाद मैं इसकी पीडीएफ हमारे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो आप लोगों के बहुत बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आज हम शहरीकरण का पार्ट ही ख़त्म करने के बाद जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद का जो भी पॉइंट है। तो हम शुरू करते हैं पार्ट फोर। हमने इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था जो कि विषय सूची थी, ये आप देख लिए। सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने शहरीकरण से संबंधित कुछ संस्थाएं की थी। आज हम करेंगे शहरीकरण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है जो कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये अवधारणा देख लीजिए। कारण थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियोस वो लास्ट वीडियो में जाकर ये सब पूरा टॉपिक डिटेल में देख सकते हैं। और ये सारा जो भी हमने डेटा शेयर किया था इसको आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकती हैं। इन संस्थाओं के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शहरीकरण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हैं। इसमें जितनी भी योजनाएँ दी हैं एग्ज़ाम में या तो सेपरेटली किसी एक योजना के बारे में पूछ लेगा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में समझाइए, तो इसके बारे में आपको सब कुछ लिखना होगा। या फिर बोलेंगे कि शहरीकरण से संबंधित जो भी भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में बताइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। हर एक तरह से आपको योजनाएं टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पॉइंटर्स आपको मैंने दिए हैं और इसको वर्बली समझा देती हूँ, आप इन्हें अपने शब्दों में लिखिए। और जो भी डेट है और योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उद्देश्य हैं वो सब आपको एक माइंड में होना चाहिए रिकॉल, कि जब भी लिखे वो याद आ जाए आपको। एक चीज़ और, ये योजनाएं मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि ऑलमोस्ट योजनाओं की जो भी लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं सेम होते हैं। बहुत ही रेयर योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि योजना क्या होगी। राजीव आवास योजना, ये आवास के लिए ही बनाई गई होगी। अगर आप लोगों को एट ए टाइम समझ में नहीं आ रहा है कि योजना क्या है तो आप उस योजना का नाम लिख के और उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है वहाँ पर। हाँ, डेट और किस विशेष क्षेत्र में अगर वो बनाई गई है तो वो लिखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए हम पहला इसमें पॉइंट शुरू करते हैं जो कि दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये जो बनाई गई थी योजना ये 3 दिसंबर 2005 को बनाई गई थी। और इस जो मिशन था, ये मिशन, इसके अंदर दो उप योजनाएँ बनाई गई थी, मतलब कि दो उप मिशन थे इसके। एक उप मिशन था शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और दूसरा मिशन था शहरी अवसंरचना शासन, शहरी अवसंरचना और शासन प्रदान करना। अब ये जो उप मिशन से दोनों, ये दोनों को चूज़ किए हुए 65 नगरों में लागू किए गए थे। इस मिशन की जो अवधि थी वो 7 ईयर्स थी। वो 7 ईयर्स होंगे, जैसे 2005 से शुरू हुई है तो 2012 तक वो 7 साल तय किए गए थे। इसे 2 साल और विस्तार कर दिया गया योजना को और 2014 तक, मतलब कि 31 मार्च 2014 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया। इस योजना के और भी दो मुख्य घटक थे, जैसे कि छोटे कस्बों और शहरों को छोटे और मध्यम नगरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना की तरफ बढ़ाना। और एक और उद्देश्य था इसका कि एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम बनाना।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट योजना की बात करेंगे हम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये जो योजना होती है ये स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी और मजदूरी रोजगार की व्यवस्था के जरिए शहरी बेरोजगारों व अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई थी। और ये योजना बनाई गई थी दिसंबर 1997 को। इस योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं, नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक जो तीन पहली की योजनाएं चल रही थी, इन तीनों को मिला के ये एक योजना बनाई गई थी। इसके उद्देश्य थे शहरी बेरोजगारों एवं अल्प बेरोजगार गरीबों को उनकी निरंतर सहायता के लिए मजदूरी रोजगार शुरू करने के लिए स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था तथा लाभदायक रोजगार प्रदान कर शहरी गरीबी उन्मूलन पर कार्यवाही करना। और इसके उद्देश्य थे क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहयोग करना ताकि जो भी इस योजना के उद्देश्य हैं वो विभिन्न शहरी लोगों तक पहुंच सके। इस योजना के पांच बहुत बड़े बड़े घटक हैं जिसके बारे में बता देती हूँ। शहरी रोजगार कार्यक्रम नंबर वन, नंबर टू शहरी महिला स्व मददगार कार्यक्रम, नंबर थ्री शहरी गरीबों में रोजगार प्रोन्नति के लिए दक्षता प्रशिक्षण और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, और नंबर फाइव शहरी स्थानीय विकास नेटवर्क। ये इसके पांच घटक हैं और जैसा नाम से जैसे जैसे दिया हो वो आप उसको अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसको अपने जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए बाद में आके, तो वो परिवर्तन क्या थे ये मैं बता देती हूँ। विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए केंद्र व राज्यों में फंड पद्धति 75:25 से बढ़ा दिए, संशोधित कर दी गई है 90:10 कर दी गई है। मींस केंद्र सरकार का जो इसमें फंड था वो 75 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है और राज्य सरकार का जो फंड है वो 25 से बढ़ा कम करके 10 कर दिया गया है। इस योजना के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए 9वीं कक्षा से आगे पढ़ाई ना करने के सीमित शिक्षा मानदंड को हटा दिया गया है एवं अब सहायता के पात्रता के प्रयोजन के लिए न्यूनतम या अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्तर को निर्धारित नहीं किया गया। इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाती हूँ आप लोगों को कि पहले कहा गया था इस योजना का लाभ उठाने के लिए 9वीं कक्षा पास होना जरूरी था, लेकिन अब इस मानदंड को हटा दिया गया है इस योजना के अंतर्गत। ऐसे ही स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी गई है एवं अनुदान सहायता को परियोजना लागत की पिछले 15% से 25% तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में ही शहरी गरीब महिलाओं द्वारा गठित समूह उद्यम के लिए अनुदान को 3,00,000 रुपये या 60,000 रुपये प्रति समूह सदस्य या परियोजना लागत का 35% जो भी कम हो उस तक कर दिया गया है और किसी एक महिला समूह के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या को 10 से कम करके 5 कर दिया गया है। ये इसमें जो मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं लेटेस्ट हाल ही में, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें एक परिवर्तन किया गया है कि शहरी गरीब घटक के कौशल परीक्षण को भी पुनर्गठित कर दिया गया है। इसमें शहरी गरीब को सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति पर विशेष रूप से जो प्रदत्त है ITI, NIT, पॉलिटेक्निक और IIT एवं अन्य एजेंसियों से गुणवत्ता कौशल या प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और
इसमें प्रति प्रशिक्षु उच्चतम सीमा जो औसतन व्यय है वो 2600 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है शहरीकरण से संबंधित। नेक्स्ट योजना की हम बात करेंगे, शहरी गरीबों को आवास हेतु ब्याज सहायता योजना। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। योजना का इसका मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है और लो इनकम ग्रुप हैं, जो दो ऐसे परिवारें हैं उनके लिए नए मकानों की खरीद निर्माण हेतु किफ़ायती आवास ऋण प्रदान करने के उन्हें योग्य बनाना। ऋण नए मकानों के निर्माण के लिए उपलब्ध होगा, पुराने मकान की मरम्मत के लिए इसमें नहीं दिया जाएगा। कोई नया मकान निर्माण हो रहा है तो इसमें ऋण दिया जाएगा। ऋण वापसी जो भी अदायगी है उसकी अवधि जो इन्होंने बताई है वो 15 से 20 वर्ष की स्वीकार्य होगी, जैसे भी वहाँ पर उसकी EMI बनती है उसके अकॉर्डिंग। और EWS और जो कि अभी हमने बात की कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए 5% प्रतिवर्ष सब्सिडी दी जाएगी, जो ऋण की पूरी अवधि के लिए 1,00,000 रुपये की अधिकतम ऋण के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना, आप लोगों ने कई बार एड्स में भी इस योजना को देखा होगा और नाम भी काफ़ी सुना होगा, राजीव आवास योजना। जो स्लम एरिया है भारत का इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण 2 जून 2011 में किया गया था। यह योजना उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो मलिन बस्ती विकास, किफ़ायती आवासीय स्टॉक के निर्माण, आश्रय और बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिए मलिन बस्तियों के लोगों को अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस योजना के अंतर्गत सृजित संपत्तियों के प्रचालन और रखाव के लिए 50% केंद्र सरकार देगी और उत्तर पूर्वी और विशेष राज्य जैसे कुछ राज्यों के बाद जो हमने की उसमें सेम वही चीज़ 90% की भागीदारी केंद्र सरकार की होगी और राज्य सरकार 10% देगी। नेक्स्ट इसमें योजना है एकीकृत कम लागत सफाई योजना। इसका जो मूल उद्देश्य है वे व्यक्तिगत शुष्क शौचालयों को जलाशय शौचालय में परिवर्तित करते हुए मैला वाहकों को सदियों पुरानी सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्त कराना। और ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, इसका प्रारंभ 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा और बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत जो 28 लाख से अधिक शौचालय के निर्माण परिवर्तन में सहायता प्रदान की गई है। तो होप आपको योजना समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट योजना की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति का दृष्टिकोण है, मतलब कि इस योजना का मूल उद्देश्य या लक्ष्य है नगरों में रहने वाले लोगों को महत्व देना तथा सभी के लाभ और कल्याण को प्राथमिकता देना, नगरों को आर्थिक विकास का इंजन बनाने में समर्थ बनाना और शहरों को नगर के रूप में विकसित करना। और इसके जो मेन लक्ष्य हैं जिसको आप एग्ज़ाम में राइटिंग में लिख सकते हैं वो आप लिखेंगे, नगर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके मद्देनजर सुरक्षित वहनीय तीव्र सहज भरोसेमंद धारणीय सुविधा प्रदान करना, इसके लिए नगरीय योजना स्तर पर नगरीय परिवहन को समाहित करना। सेकंड इसमें लिख सकते हैं आप लोग एकीकृत भूमि उपयोग पर बल देना तथा सभी शहरों में परिवहन योजनाओं को अपनाना, इससे यात्रा दूरी तो कम होगी ही साथ ही नगरीय जनसंख्या को जीविकोपार्जन शिक्षा और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान हो सकेगी। और इसमें इसके जो लक्ष्य हैं वो है सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग और मोटर रहित परिवहन साधनों का उपयोग पर बल देना और इसके लिए केंद्र द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी। गुणवत्ता आधारित विभिन्न मॉडलों वाले सार्वजनिक परिवहन साधनों पर इसमें बल दिया जाएगा और इसके लिए जो भी ज़रूरतें हों उस पर काम किया जाएगा। और इसमें है
स्वच्छता तकनीकों के उपयोग को प्राथमिकता देना, मतलब कि जो भी ऐसी चीज़ें परिवहन के अंदर यूज़ हों जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, तो उस पर ज़्यादा प्राथमिकता देना। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्राइवेट सेक्टर का यूज़ ले सकते हों तो उसको भी इसमें शामिल करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति के बारे में। ये जो नीति है इसके मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जागरूकता का निर्माण करना लोगों में स्वच्छता के प्रति, और व्यवहारिक स्तर पर उसको परिवर्तन करना, मतलब कि जागरूक लोगों को करना और उसको व्यवहार में लेकर आना। जैसे साफ सफाई रखना नगरों में, ये विशेषकर शहरों की बात की जा रही है, नगरों की बात की जा रही है। ऐसे ही इसमें स्वच्छता के अंतर्गत आएगा खुले में शौच मुक्त नगर बनाना, सुरक्षित और स्वास्थ्य पर सुविधाओं पर बल देना। इसके लिए जो सामुदायिक शौचालय या प्रबंधित शौचालय को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय राज्य और नगर और स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना ताकि स्वच्छता प्रावधान को इसमें प्राथमिकता मिल सके। इसी के अंतर्गत हम और बात कर लेते हैं मानव अपशिष्ट और तरल अपशिष्टों का 100% निपटान करना। इसके लिए जो भी विधियां अपनाई जाती हैं जैसे कि पुनश्चक्रण या फिर उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्उपयोग करना, ये सब विधियां इसमें यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 की, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। इसके अंतर्गत 2007 में ही ये नीति बनाई गई थी, और शहरी क्षेत्रों में जो आर्थिक और सामाजिक मानदंड में बदलाव आ रहा है और आवास की जो मांग बढ़ती जा रही है और बुनियादी सुविधाओं की कमी जो हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए 2007 में ये नीति बनाई गई थी। इसके अंतर्गत सभी के लिए वहनीय आवास, विशेष रूप से शहरों के लिए, इसका लक्ष्य पाने के लिए जो सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी इसमें समान रूप से ली गई है इस नीति के अंतर्गत। आवास में भारी कमी और केंद्र और राज्यों के पास बजट की कमी के कारण इस नीति में निजी क्षेत्रों को शामिल किया गया, और इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र, श्रमिक आवास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र और कर्मचारियों के आवास के लिए क्षेत्र, इन सब पे इसमें विशेष ध्यान दिया गया इस नीति में। और इस नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को राज्य शहरी आवास एवं सहवर्ती राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनको इस बारे में सहायता भी की गई थी। इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है कि केंद्र सरकार इसमें सुविधादाता और सामर्थ्यकारी के रूप में कार्य करेगी, और ये जो कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हैं, निम्न आय के लोगों के वर्ग हैं और बुनियादी सुविधाएं जिन्हें नहीं मिल पा रही हैं, इनको मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए काम करेगी। जलापूर्ति, नालों की सफाई, सीवेज की सफाई, विद्युत आपूर्ति और परिवहन सुविधाओं से संबंधित पर्याप्त जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य योजना बनाएगी। ऐसे ही भौतिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को प्रावधान के लिए आर्थिक दृष्टि से आवास संबंधी मॉडल और मानकों को विकसित करेगी केंद्र सरकार। आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं के लिए संवर्धन के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग करके उपयुक्त वित्तीय सहायता देगी, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमारी पॉलिसी है जो कि सरकार ने बनाई है, शहरी फेरी वालों की राष्ट्रीय नीति 2009। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नीति। ये जो नीति थी ये 2004 में बनाई गई थी, लेकिन इसको संशोधित करके 2009 में इसको बिल्कुल अच्छे से डेवलप किया गया, जिसमें जो शहरी फेरी वालों के लिए ऐसा माहौल बनाना था, जो कि शहरों में आपने देखा होगा गली नुक्कड़ पे जो भी फेरी वाले रहते हैं उसमें वे बिना किसी प्रताड़ना के अपना कार्य कर सके, पटरी पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए यहाँ पर विनिमय तंत्र बनाया जा सके और सड़कों पर यातायात सुगम प्रभावी सुनिश्चित किया जा सके, मतलब जो भी यातायात चले उसमें कोई बाधा ना आए और जो फेरी वाले हैं वो भी अपना काम आराम से कर सके, इसके लिए ये नीति बनाई गई थी। और शहरी फेरी वालों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय और
राज्य स्तर पर मतलब कि स्थानीय स्तर पर समुचित मान्यता देना भी इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। उन्हें शहरों व कस्बों में गरीब उपशमन की एक राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में समझा गया था। इसकी कुछ विशेषताएं थी इस नीति की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें था कि शहरी स्ट्रीट विक्रेता हेतु ये सर्वे कराएगी। इस नीति के अंतर्गत पटरी पर विक्रेता का पंजीकरण किया जाएगा और उनको पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब कि ऐसे कोई भी अब पटरी नहीं लगा सकता, जिसके पास पंजीकृत प्रमाण पत्र होगा और जिसके पहचान पत्र होगा वो ही फेरी लगा सकता है। प्रत्येक विक्रेता जोन की अधिकतम क्षमता का निर्धारण व मूल्यांकन करना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी है इस जोन की, उतने ही फेरी वाले वहाँ मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे या लगाने की उनको ऑर्डर मिलेंगे। ऐसे ही विक्रेता गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। इसमें पटरी विक्रेताओं की भावनाओं का ख्याल किया जाएगा और कस्बा विक्रेता समिति के माध्यम से राजस्व की वसूली भी इसमें की जाएगी। और समिति इसमें जो बनाई गई है, समिति में पटरी विक्रेता या पटरी विक्रेताओं एवं तीसरी पार्टी हस्तक्षेप के प्रथम बिंदु के रूप में, जो कि बीच में उठने वाले विवादों का समाधान एवं शिकायतों के लिए निपटारे के लिए जवाबदेह होगी। इसमें सभी नए स्थानीय प्लानों में पटरी वालों के लिए जगह का आरक्षण और क्रियान्वयन करना भी शामिल है। ऐसे स्टेशनरी विक्रेता को अन्य 10 वर्षों के लिए आगामी विस्तार सहित 10 वर्षों की समय सीमा भी इसमें दी जाएगी, क्योंकि पटरी विक्रेता होते हैं वो छोटे उद्यमी होते हैं, वो मतलब छोटा मोटा कारोबार चला के अपना काम करते हैं, तो उन्हें उधार, थोड़ा वित्त, बीमा और वोकेशनल शिक्षा ये सब भी इस समिति के अंतर्गत उपलब्ध किया जाएगा। और इस संबंध में जो समिति बनाई गई है ये फेरी वालों में सूचना का प्रचार प्रसार करेगी। मतलब उन लोगों को पहले इस समिति के बारे में पता होगा, तभी तो वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, तो प्रसार प्रसार भी करेगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल एस्टेट विधेयक 2012 की। अब रियल एस्टेट में निष्पक्ष व्यवहार तथा जवाबदेही मानकों को लागू करने के लिए और विवादों के तीव्र निपटान के लिए न्याय निर्णय व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रियल एस्टेट विनिमय विधेयक 2012 का प्रारूप तय किया था। इस विधेयक का जो उद्देश्य था वो रियल एस्टेट सेक्टर और आवासीय लेन देन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित कर रियल एस्टेट सेक्टर में सामान्य लोगों का विश्वास पुनः स्थापित करना था। कि अभी बीच में ऐसा हुआ था कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे थे इसमें, तो इसके लिए ये विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक में कार्यदक्षता, व्यावसायिक तथा मानकीकरण द्वारा विनियमित और व्यवस्थित वृद्धि को प्रोन्नत करना अपेक्षित है। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में बता देती हूँ। प्रत्येक राज्य में क्षेत्र की व्यवस्थित और नियोजित वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कार्य हैं, शक्तियाँ हैं और जिम्मेदारियाँ हैं, इसके साथ रियल एस्टेट विनिमयन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ऐसे ही जो डेवलपर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो किसी भी अचल संपत्ति को, जो फिक्स्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहते हैं, तो उन्हें रियल एस्टेट विनिमयन प्राधिकरण के साथ अनिवार्यता पंजीकरण करना पड़ेगा। प्राधिकरण को रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास के संबंध में समन्वयकारी कार्य करने के लिए एक पारदर्शी, कुशल और प्रतियोगी रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। और प्रोन्नतकर्ताओं तथा खरीदारों के बीच जो विवादों का निपटान होता है, जो भी केस इसमें चलते हैं उसका जो भी निपटान है उसके लिए समाधान तंत्र भी ये विकसित करेगी। प्राधिकरणों में इस क्षेत्र का समुचित ज्ञान और अनुभव रखने वाले कम से कम 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष का होना ज़रूरी है इस रियल एस्टेट विनिमयन प्राधिकरण के अंतर्गत। विवादों की न्यायिक सुनवाई तथा प्राधिकरण के आदेशों से अपील की सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा होगी, जो कि रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी।
और इसकी जो अध्यक्षता है वो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, तथा 4 न्यायिक और कम से कम 4 प्रशासनिक इसमें सदस्य होंगे। इस ट्रिब्यूनल की जो बात की जा रही है, रियल इस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष होंगे उसके पास ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ होंगी, जिसे वो इस्तेमाल करके बेंच गठित कर सकते हैं, जो भी इसमें डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय परामर्श परिषद की स्थापना की व्यवस्था इसमें की गई है। परिषद की कार्यनीति के मुख्य प्रश्नों पर सिफारिश देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना तथा रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति एवं विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो रियल एस्टेट विधेयक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2012 में बनाया गया था। तो सरकार द्वारा इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो बनाई गई हैं, ये एग्ज़ाम में आना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी जो भी मेहनत है आप सफल हो रही है, आप लोगों के काम आ रही है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, और इसका PDF अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज पे, उसे देखना या डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।